जय हिंद मेरे बंधु, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। यूपी बीएड के प्रवेश परीक्षा के प्रथम पाली के जीके के सभी क्वेश्चंस हमारे पास आ चुका है और उन सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपको हम देने वाले हैं। पूरे विस्तार से आपको हम बताएंगे और हर एक क्वेश्चंस का आपको हम सॉल्यूशन देंगे आपको हम। तो चलिए देर किस बात का स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम लेके चलते हैं उस क्वेश्चंस पर, बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं उस क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन। और अगला क्वेश्चन से नंबर थर्ड क्वेश्चन, तिब्बत से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और हम आते हैं नंबर फोर क्वेश्चंस पर। देखिए नंबर फोर क्वेश्चंस क्या है, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा। सारे क्वेश्चंस का हम एकदम जेन्युइन आपको हम आंसर देने वाले हैं। पाँचवा क्वेश्चन पे आते हैं, काला धन को समाप्त करने के लिए सरकार ने कौन सी युक्ति सुझाई है? तो गाइस इसका उत्तर होगा नोटबंदी, नोटबंदी यहाँ पर। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे है नंबर छः नंबर, कोरोना वायरस का नामकरण कोविड-19 किस संस्था ने किया? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आने वाला है। तो गाइस इसका जो उत्तर यहाँ पर होगा WHO, ठीक है। आते हैं नंबर सेवन क्वेश्चंस पर, लोकसभा चुनाव कितने समय बाद होते हैं? ये तो सबको मालूम होता है, 5 साल के अंतराल पर यहाँ पे होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं नंबर एट क्वेश्चंस पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मिस भी हो गया होगा क्योंकि बच्चों से हमारे पास क्वेश्चंस आया है, तो एक दो क्वेश्चंस मिस भी यहाँ पे हो सकता है गाइस। आते हैं नंबर 10 क्वेश्चंस पर, देश में पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ बना है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई, ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम है? अजय सिंह विष्ट इनका वास्तविक नाम था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं नंबर 13, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन हैं। पीपी का फुल फॉर्म है, पीपीपी का फुल फॉर्म है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करना, तो हम जल्दी में इस क्वेश्चन का आंसर हम कर नहीं पाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। दिखते हैं कितना लोग कमेंट करते हैं इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चंस क्या हैं, भारत के सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ये तो जामा मस्जिद है जो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। नंबर 16 क्वेश्चंस, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिड़ला है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस नंबर 17 पर, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? गाइज इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और देखते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 18 क्वेश्चंस पर, मुल्ला दो याजा किसका उपनाम है? तो गाइज इसका जो उपनाम है ये अबुल फजल का ये उपनाम है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, देखिए अगला क्वेश्चंस है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बात कर रहा है, तो वे जी आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस क्या हैं, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये तो सबको मालूम है, फातिमा बेगम। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही जीके में इजी क्वेश्चंस आया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंट अफेयर का क्वेश्चंस था, जो टॉप क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चंस बच्चों को याद नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम उस क्वेश्चंस को हम इसमें ऐड नहीं किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, RBI के चेयरमैन कौन हैं?
ये तो भाई शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कायिक वर्तमान में कौन है। कायिक मतलब होता है सी ए जी बोलते हैं इसको हम, वर्तमान में कौन है। देखिए ये तो अभी वर्तमान में तो अभी कुछ अलग हो गए हैं, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे वह अभी अभी प्रेजेंट में कायिक कायिक का अध्यक्ष बने हैं यहाँ पर, लेकिन इसके पहले जो थे वह थे राजीव महर्षि। तो इसका यहाँ पे उत्तर होगा राजीव महर्षि यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 24, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ये यूसी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया को कितने पिन कोड में बांटा गया है, 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 24 नवंबर 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनोमीटर से मापी जाती हैं हवा की चाल, हवा की चाल को हम एनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, डेसिबल किसका यूनिट होता है ध्वनि का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बल तुल्य होता है, बल तुल्य होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि कुछ अलग क्वेश्चन था, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हमको बच्चों के माध्यम से मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं, इंद्रधनुष निर्मित होता है। देखिए मैं बात करूँ इंद्रधनुष निर्मित होता है, तो ये देखिए वहाँ पे ऑप्शंस था चार, वहाँ पर एक ऑप्शन था अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, और एक ऑप्शन था वहाँ पे ये सभी। तो देखिए वहाँ पर जो ऑप्शंस होगा वहाँ पर ये सभी वहाँ पर, ठीक है। देखिए तो हम तो हमारे पास 50 में से 30 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और क्वेश्चंस का हम प्रयास कर रहे हैं शाम तक हम पूरा क्वेश्चंस का वीडियो हम अपलोड कर देंगे 50 से 50 का, और इतने क्वेश्चंस अभी हमारे पास आ पाया है, और हम आशा करते हैं कि पूरा क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएगा। हम लिंक कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट हम बच्चों से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हिंदी का हम पूरा क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में हम डालने वाले हैं, और उसी प्रकार से मैथ का जितना क्वेश्चंस बच्चों के माध्यम से हमें मिल पाता है उतना क्वेश्चंस मैं वहाँ पर डाल दूँगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाए, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे मित्र में इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।